बहुत बड़ा शराब घोटाला सामने आया था कोविड के दौरान। 19 में शराब जो है महकमा जेजेपी के पास, एक्साइज के पास, महकमा इनके पास गया है और एक भ्रष्टाचार का समझौता इस सरकार के साथ करके खट्टर सरकार ने दोबारा सत्ता हासिल करी है। तब से लेकर लगातार ना सिर्फ हरियाणा के शराब घोटालों में मगर देश में कहीं भी शराब घोटाला हो, बिहार तक भी, उसके तार हरियाणा के से जुड़े हुए दिखाई देते हैं। जहरीली शराब का मामला हरियाणा में पहला नहीं है, अवैध शराब का। जहरीली शराब का मामला हरियाणा में पहला नहीं है, अवैध शराब का। पिछले साल भी सोनीपत में अवैध शराब से बहुत लोगों की जान गई थी। उससे पहले भी बहुत बड़ा शराब घोटाला सामने आया था कोविड के दौरान। जब से ये 2019 में शराब जो है महकमा जेजेपी के पास, एक्साइज के पास, महकमा इनके पास गया है और एक भ्रष्टाचार का समझौता इस सरकार के साथ करके खट्टर सरकार ने दोबारा सत्ता हासिल करी है, तब से लेके लगातार ना सिर्फ हरियाणा के शराब घोटालों में मगर देश में कहीं भी शराब घोटाला हो, बिहार तक भी, उसके तार हरियाणा के से जुड़े हुए दिखाई देते हैं। कहीं ना कहीं संगठित भ्रष्टाचार का रूप हरियाणा की शराब माफिया ने ले लिया है, वो भी सरकारी संरक्षण से। ये आज प्रदेश के एक एक व्यक्ति को बात समझ में आ गई है। हमारी मांग है कि निष्पक्ष जांच हो, स्तरीय जांच हो, न्यायपालिका एक लास्ट रिजॉर्ट बचा है क्योंकि सीबीआई ईडी का कोई पे कोई आज के क्रेडिबिलिटी बची नहीं है, तो न्यायपालिका, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की मॉनिटर्ड जांच हो और इस जांच में केवल नीचे के लोगों तक उसको सीमित ना रखा जाए। इस जांच में किस जो है कौन वो ऐसे मंत्री हैं जिनके सरकारी संरक्षण में ये हो रहा है, उनका सारा चिट्ठा सामने आए। मैं समझता हूं कि आने वाले समय में जब कांग्रेस अगर ये नहीं करेंगे, कांग्रेस की सरकार, अब इन सरकार के पास आचार संहिता हटाने के बाद, आचार संहिता कार्यकाल हटाने के बाद इस सरकार के पास लगभग 6.5 महीने का कार्यकाल बाकी है, क्योंकि ये 1 महीने का आचार संहिता लगेगी सितंबर में असेंबली की और 3 महीने की लगते लोकसभा की, आप अंदाजा लगा सकते। तो ये 6-7 महीने का कार्यकाल बाकी, या तो ये करो ये जांच, नहीं तो आने वाले समय में इस पर जांच कराने का काम हम करेंगे और इससे जांच कराकर जो लोग आज हरियाणा के नौजवान को नशे की तरफ धकेलने का काम कर रहे हैं, जो लोग अपने लोभ में, अपने लालच में, अपने घरों की तिजोरियां भरने के लिए व्यापक भ्रष्टाचार कर हरियाणा में नशा, अवैध शराब, जहरीली शराब और इस तरह के कारनामों में जो लोग इन्वॉल्व हैं, एक एक व्यक्ति को हम अकाउंटेबल करने का काम करेंगे। हरियाणा में सरकार कांग्रेस पार्टी की बनती है तो ये एक बड़ा मुद्दा लेकर हम लोग चलेंगे और ऐसे एक भी व्यक्ति को जो या तो इसमें शामिल हो या इसके संरक्षण में ये चल रहा था, ऐसे एक भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा जो हरियाणा के नौजवान के भविष्य को खराब करने के लिए ये अंजाम